गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो पीडीएफ है ना, वो हम लोगों के डिमांड चैप्टर की है। ठीक है, हम लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ा है क्लासरूम में। ये आपको जो शीट आज के क्लासरूम में मिली है, उसको पहले खुद अटेम्प्ट करना है। उसको अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मैच करना है कि आपका गलत है कि सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो किस तरह से सही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप लोग को पता है ना, ये देखा हुआ लग रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक के साथ दूसरा भी चाहिए। कार चाहिए तो पेट्रोल तो चाहिए, अदरवाइज कार विल बी द डिब्बा ओनली। पेट्रोल सिर्फ होगा तो लो भैया आग लगाने के काम आ गया। कार भी चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए, दोनों चीज़ें। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, या तो ये ले लूँ, ये वाला पेन यूज़ कर लूँ, या तो ये वाला पेन यूज़ कर लूँ। यहाँ पे ज़्यादा विक है, या तो ये पेन लगा लूँ या तो ये पेन। तो ये कौन है सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये तो सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर पेन है तो इंक भी चाहिए, राइट। तो एक के साथ दूसरा जब कंप्लीट करता है एक नीड को, समझ आ रही ना, समझाया हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होता है। पेन खाली है तो इट विल नॉट वर्क, उसके अंदर इंक होनी चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल है, क्या टी और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। टी ले लो या कॉफ़ी पी लो, दोनों ब्रिवरेज है, दोनों रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, या तो टी या तो कॉफ़ी। तो या तो सब्स्टिट्यूट, या तो ये पेन या तो ये पेन सब्स्टिट्यूट। कोक पी लो या तो पेप्सी पी लो, कोक एंड पेप्सी। कोक महंगी हो रही तो पेप्सी पी लो, पेप्सी महंगी हो तो कोक पी लो। राइस खा लो या तो वीट खा लो, फुल्का खा लो तो राइस खा लो, दोनों में से एक चीज़। तो या तो इज अ सब्स्टिट्यूट नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज वाई यहाँ पे पूछा एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, देर इज नन ऑफ दीज। एम आई और नॉट अंडरस्टूड है तो येस कर देना, नहीं है तो बता देना नहीं हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, ये बोर्ड है मेरे पास, अगर ये पेन नहीं है ना तो मैं इसमें लिख नहीं सकती, यही वाली पेन चलेगी। तो एक दूसरे के ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, या तो ये, राइट। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, किसकी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी एक नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है। कह रहे हैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी या घटेगी। तो पहले हम लोगों ने पता है इनकम इज़ अ फैक्टर, इनकम क्या है, एक फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, जो डिमांड के ऊपर असर डालता है। किसके ऊपर असर डाल रहा है, डिमांड। डिमांड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। अच्छा जी, इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ जाएगी। कैसे, अगर मान लेते हैं इनकम आपकी 20,000 थी सिर्फ, तो आप 20 रुपये किलो वाली कोई चीज़ खा लो, इनकम 2 लाख हो गई है, तो खाओगे तो है ही आप, लेकिन 200 रुपीज़ वाली खा लोगे। तो यहाँ पे क्या है, इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इनकम के कम होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहते हैं डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, एक नॉर्मल गुड्स अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, जल्दी, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, इनकम इज अ फैक्टर टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, या तो ये, यही था सब्स्टिट्यूट। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन। पहले तो ये वोकैबुलरीज के मतलब बता दीजिए क्या होते हैं, इन वोकैबुलरीज के मतलब क्या होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। एक्सपेंशन और इंक्रीज दोनों का ही मतलब है बढ़ना,
दोनों का ही मतलब क्या है, बढ़ना। डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का मतलब ही है कम होना, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। पढ़ा हुआ है आपने, एक वर्ड पढ़ा था मूवमेंट, क्या पढ़ा था मूवमेंट, एंड नेक्स्ट पढ़ा था आपने शिफ्ट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ही बात कर लो, अभी इकोनॉमिक्स में मत घुसो। मूवमेंट की मीनिंग क्या होती है, ये पेन यहाँ पे रखी हुई है, इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दो, दिस इज द शिफ्ट। मूवमेंट क्या है, ये ली पेन यहाँ रखनी, इसको हल्की सी आगे मूव कर लो, राइट। आप जब किसी कार में बैठ रहे थे, बोलते ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई बंदा बैठा तो बोला आपको बैठना, बोला शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। मूवमेंट मतलब यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाओ, द बेसिक डिफरेंस मूवमेंट और शिफ्ट। अगर इंग्लिश में सिर्फ बात करें, मूवमेंट और शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या है, हल्का सा क्या हो जाओगे, उठ जाओगे, लेकिन मूवमेंट का मतलब क्या, हल्का सा मूव कर जाओगे। कहते हैं यहाँ पे दो वोकैबलरीज हैं, मूवमेंट एंड द शिफ्ट, कि आपने दोनों वोकैबलरीज पढ़ी हुई हैं। अगर मैं बोलूँ डिमांड में चेंज आया था, दो रीजंस थे, एक क्या होता है शिफ्ट और दूसरा क्या होता है मूवमेंट। मूवमेंट किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से कि अदर देन प्राइस की वजह, सॉरी नहीं, दिस इज नॉट द मूवमेंट, आंदोलन, मूवमेंट नॉट आंदोलन। हिस्ट्री वालों का यही प्रॉब्लम है, हिस्ट्री वालों का प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, कॉमर्स भी आती है, ह्यूमैनिटी भी आती है, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ये मोमेंट कौन से मोमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स के मोमेंट की बात हो रही है, डिमांड का बढ़ना और डिमांड का कम होना। ठीक है, मोमेंट जो होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। अब पहले तो मैं ये पूछ लूँ आप लोगों से, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये कितने लोग कह रहे हैं, वापस से एक बार समझा दो, क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ पे आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन हो जाएगा, कौन सा मूवमेंट करना है, कौन सा मूवमेंट किया जाए, कई सारे लोग ये वाले मूवमेंट को आंदोलन बना चुके हैं, तो अब मुझे समझ आ रहा है इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा। ये के बच्चे जब ऐसा करेंगे तो फिर 11th 12th वाले क्या करेंगे, 11th 12th वाले क्या करेंगे, दो वोकैबलरीज होती हैं। अब मैं बता दूं, एक वर्ड होता है, समझ लो इसको, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बोला मूवमेंट करना ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक वर्ड है चेंज इन डिमांड। ठीक है, एक वर्ड क्या है, चेंज इन डिमांड, और दूसरा वर्ड आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लिटरली इट इज गिविंग मी द अगेन एंड अगेन अ लाफ, दैट मोमेंट इज द आंदोलन। नॉन कॉमर्स में आंदोलन ही है मोमेंट, इन कॉमर्स में आंदोलन के अलावा ये वाला भी आंदोलन। एक वर्ड है शिफ्ट, दूसरा वर्ड क्या है मोमेंट, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले सिर्फ ये दो वोकैबुलरी का मतलब समझते हैं। चेंज इन डिमांड जब वर्ड यूज होता है ना, क्योंकि किसी भी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल क्या ले ले, हम गन्ने का जूस का एग्जांपल ले ले,
एग्जाम्पल ले रहे हैं, गन्ने के जूस का एग्जाम्पल। अगर मान लेते हैं गर्मी आई, उस जूस की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जूस का रेट उतना ही है, 20 रुपए का ही बिक रहा है, उससे ना ज्यादा है और ना कम है। गर्मियां आ गई, वेदर की वजह से डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। और वेदर की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। महाकुंभ आ रहा है हमारे इलाहाबाद के अंदर, कितने भी रिक्शे होंगे सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल ही आकर के एक बंदा मेरी सिस्टर से कह रहा था कि मेरे को ना दीदी 2 रिक्शे निकलवाने हैं। क्यों, रीजन क्या निकला, महाकुंभ आ रहा है उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्या प्राइस बढ़ा घटा फेयर का, नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कोई 10 रुपया ले रहा था, 5 रुपया लेगा तो हम लोग 4 बार चले जाते हैं। समझना, ये चैप्टर ना बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर है डिमांड, और बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप पढ़ रहे हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को बढ़ाते हैं और डिमांड को घटाते हैं। तो कहते हैं जब प्राइस की वजह से, वजह कौन बना, प्राइस। जब प्राइस की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है या घटता है, मतलब कि चेंज आ रहा है, लेकिन किसकी वजह बन रहा है, प्राइस, तो उस वर्ड को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। हम लोग पेन खरीदने गए थे, 50 रुपए थे, बस 50 रुपए का एक पेन था तो एक ही खरीदी, 25 का एक पेन था तो दो ले लिया, 10 रुपए का एक पेन था तो 5 ले लिया। किसकी वजह से ये क्वांटिटी बढ़ा रहे, बिकॉज ऑफ सस्ता मिल रहा है। 3 रुपए वाली पेन लेने जाते हैं तो क्या करते, एक पेन नहीं लेते, 10 रुपए में 3 पेन ले लेते हैं। क्यों लिया, क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन 10 रुपए की एक होगी तो एक ही पेन लेकर आएंगे ना। तो कभी कभी यहाँ पे अब बात है, जब प्राइस रीजन बनता है चेंज होने का डिमांड में, तो उस वर्ड को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब प्राइस के अलावा कोई और रीजन बनता है, वेदर कंडीशन, पॉपुलेशन, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारी चॉइसेस, हमारा सर्कल, कुछ भी, लेकिन किसको छोड़ देंगे, प्राइस को, तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। इसको कर दें अदर देन, बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ एक पॉइंट ठीक है। बस आपको समझ आया, ऑनलाइन में भी भाई जिसको ना आए वो पूछता चले, ये क्लियर हो गया ठीक। अब बात आती है, ये तो एक वोकैबलरी हो गई, वो क्या होती है, शिफ्ट वर्ड यूज कर, क्या वर्ड यूज करते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। इसके लिए ना हम लोग शिफ्ट वर्ड यूज करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ठीक, थोड़ा सा होता है। ये कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शिफ्ट, और इसके लिए आंदोलन, नॉट आंदोलन, मूवमेंट। इसके लिए क्या यूज करेंगे, मूवमेंट। अब जितनी बार मैं ये पढ़ाऊंगी तो निखिल तुमसे याद आने वाला है। तो ये क्या है, मूवमेंट है, और ये क्या है, शिफ्ट है। छोटी छोटी चीजों को दिमाग में सिर्फ सेट करिए, कुछ टफ नहीं। पहला क्या हुआ भैया, चेंज इन डिमांड क्या है, बोले ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ, अदर देन प्राइस की वजह से हुआ। फिर बोले चल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बोले ये प्राइस की वजह से हुआ। बोले मूवमेंट किसको कहेंगे, जब डिमांड में चेंज आएगा, किसके रीजन से, प्राइस के रीजन से, तो उसको क्या कहेंगे, मूवमेंट। और जब प्राइस के अलावा किसी और रीजन से आएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, शिफ्ट। इसमें कोई दिक्कत, फिर वो वोकैबलरी यूज की गई है, जब ये सिचुएशन आएगी वो कहेंगे इंक्रीज, या फिर कहेंगे डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और जब ये आएगा दिक्कत तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत पहले इसमें, नेक्स्ट वर्ड में, इन दो वोकैबलरीज में कोई दिक्कत, इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से हुआ, अदर देन प्राइस की वजह से हुआ, लेकिन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ, प्राइस की वजह से हुआ। तो पहली बात, 3 बातें ध्यान हो गई अब। नंबर 1 बात क्या है, इधर ध्यान दीजिए और बताइए जरा, आज जो नहीं बताएगा ना, आरती जगजननी, आइए। चेंज इन डिमांड का मतलब, व्हाट यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड मीन चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अदर देन प्राइस, एनी ऑफ द फैक्टर बट नॉट द प्राइस, इट मे बी एनी,
इनकम बढ़ गई, इनकम घट गई, व्हाटएवर, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड मींस चेंज इन डिमांड में चेंज आया, उसको हमने उन्होंने शिफ्ट वर्ड यूज किया, इसमें आया उसमें मूवमेंट वर्ड यूज किया, दो बातें खत्म। जब मूवमेंट है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, शिफ्ट है तो इंक्रीज है डिक्रीज, बातें ध्यान। ठीक, अब और आगे बढ़े, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो चल बढ़ती है। तो अगर कह रहा है प्राइस 20 रुपये था और 20 रुपये है, यहाँ पे एग्जाम्पल है प्राइस का 20 रुपये था, ठीक, और 20 ही रुपये है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किसमें चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किसी और फैक्टर में चेंज आया हो। तो कहते हैं डिमांड जो थी ना 100 से 150 हो गई, जो डिमांड थी वो 100 थी और 150 हो गए। फिर से देखते हैं, जब 20 रुपए की कोई चीज़ 100 हम खरीद रहे, 20 ही रुपए की है लेकिन हमने 150 ले ली, मुझे टेस्टी लगा मैंने 150 ले ली, समझ आ रहा है ना। हम लोग कुछ खाने गए थे, 20 रुपए का था, उस दिन हम लोगों ने 100 खा लिया, अभी भी वैसा ही है, 20 रुपए का है, बोला ना भैया हम 19 रुपीज़ का देंगे ना 21 का देंगे, 20 मीन्स 20, लेकिन भूख ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा खा लिया, राइट। तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन प्राइस के ऊपर असर नहीं हुआ। बोले जब ये सिचुएशन होगी तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज डिमांड, और उसी के अगेंस्ट प्राइस 20 था, प्राइस कितना था 20 था, तो 100 यूनिट 150 यूनिट खा रहे थे, प्राइस 20 ही है, हमने क्या कर लिया 100 यूनिट खा लिया, 150 से क्या खाने का शुरू कर दिया 100। तो ये वो कैबलरी किसके लिए हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर। कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है। कहता है इसको कर्व में अगर हम करते हैं तो क्या होगा, बोले कर्व में यहाँ पे ना प्राइस ले लो, यहाँ पे क्या ले लो क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, तो बोले प्राइस कितना है 10 से क्या हो गया 50, 100, 150, ये एक्स में दे रखा है और ये वाई में दे रखा है, प्राइस दे रखा है कितना, कलर समझ आ रहा है, प्राइस कितना दे रखा है 20, कितना डिमांड कर रहे थे आप, प्राइस बेटा कितना दे रखा है 20, कितनी डिमांड कर रहे हो, यस, प्राइस में कोई चेंज आया क्या, नहीं ना, डिमांड 100 है डिमांड, तो एक तो यहाँ पे आ गया डी घर, और दूसरा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे D1 का नाम दे दें इसको, कुछ भी नाम दे लो, यही हुआ है ना, आगे की ओर बढ़ गए कि पीछे हो की ओर गए हम, आगे की ओर बढ़ गए। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं दे रखा, बोला आगे की ओर बढ़ेंगे, और ऐसा कर्व है, प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है, उस कंडीशन में बोलेगा इंक्रीज है कि एक्सपेंशन, तो क्या बोल देंगे वो, इंक्रीज है, क्या बोल देंगे, देखो कुछ लोगों का कल नेट का एग्जाम है लेकिन कुछ लोग लेट हो रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए, कुछ लोग प्रोफेसर बनेंगे यहाँ पे, नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, अभी इधर देख लीजिए बिना पेन कॉपी के, इधर देखिए प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है, प्राइस में चेंज आया, भाई प्रोफेसर बनने वाली है, लाख रुपया कमाएगी, पार्टी देगी, तो भी क्या बात कर, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, तो हम बोलेंगे मेरी बच्ची प्रोफेसर है। चलो इधर अभी देखो, प्राइस में चेंज आया, प्राइस 20 था 20 है, डिमांड कितनी 100, प्राइस 20 था 20 है, डिमांड कितनी 150। जब प्राइस कोई रीजन नहीं बना लेकिन डिमांड आगे की ओर बढ़ गई, उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, और इसको कहीं आगे की ओर बढ़ने को क्या कहेंगे, शिफ्ट, इधर साइड राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, कहाँ राइट वर्ड, कहाँ चली गई राइट वर्ड चली गई। अब फिर से चलो क्या बोल रहे हैं, बोले एक वर्ड आता है चेंज इन डिमांड,
कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की में चेंज की वजह से होता है। इसी को हम शिफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्ट भी बोलते हैं। और या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, लेकिन प्राइस देखो कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गई तो इसको इंक्रीज, प्राइस कांस्टेंट है ये ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गई, इसको डिक्रीज बोले। कर्व में अगर समझते हैं तो 20 था, 20 है, फालतू में बढ़ गया आगे की ओर, बड़ा शिफ्ट राइट वर्ड बोलते। अब सेकेंड में देखते हैं डिक्रीज बात करते, तो अगर कर्व हम बनाते हैं डिक्रीज में, प्राइस 10, 20, 50, 100, 150 गिवन है हमें, कह रहे हैं प्राइस कितना था, 20 था, कितने डिमांड कर रहे थे, प्राइस 20 था, डिमांड कर रहे थे 150। प्राइस में चेंज है क्या, नहीं, 20 है, डिमांड कितनी हो गई है। इसका मतलब हम लोग अगर देखें तो एक बार आप यहाँ पे थे, आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, अंदर की ओर आ गए ना, में थे कहाँ आ गए, वन में आ गए, अंदर की ओर आ गए, किस ओर आ गए, लेफ्ट वर्ड, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट की तरफ। इज दिस ओके और नॉट, बात समझ आ गई। अब बात आती, ये क्लियर है कि नहीं। फिर दूसरा वर्ड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, बोले किस लिए होता है, बोले प्राइस की वजह से होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पेन ले रखी है, पेन का प्राइस, और यहाँ पे पेन 50 रुपये की पेन थी, एक ही खरीदी थी, 25 रुपये की एक पेन बिक रही, दो खरीद लो, अरे 10 ही रुपये की खरीदी, 5 खरीदो, 50 रुपये ख़त्म करने हैं पेन खरीद कर, तो ये क्या कहलाया वो कैबलरी। कहता है और मूवमेंट को हम लोगों ने क्या बोलना है, इंक्रीज नहीं बोलना, एक्सपेंशन वर्ड यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है, एक्सपेंशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइस हो रहा है। पॉज लगा लीजिए, प्राइस कितना था, 10 रुपये, 20 रुपये हो गया, 30 रुपीज। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, प्राइस बढ़ रहा है, रीजन इज अ प्राइस, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। आलू का एग्जांपल दे रखा है, 100 रुपये मम्मी ने दिए हैं, बोले आलू लेकर आइएगा, 100 रुपये का 1 किलो, तो 1 ही किलो खरीदोगे, और 100 रुपये के लेकर आइएगा बोला उसने, किलो विलो नहीं बताया, 50 रुपये किलो दे रहा है बंदा, तो कितने ले लोगे, 2 किलो ले लोगे, यही होगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। हम पहले कोई चीज़ जब 10 रुपये की बिक रही थी तो हम कह रहे थे कि हमें ठीक है 4 दे दो, क्या दे दो, 4 दे दो, फोर दे दो, 20 की हो गई, घटाओगे बढ़ाओगे कम हो जाएगी ना, बोले 3 दे दो भैया, 30 की बोले भाई 2 ही दे दो। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है कि एक्सपेंशन है, पहले ये मुझे इसका आइडेंटिफिकेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे प्राइस चीज का 30 रुपीज है, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, 30 रुपये का था बोले भाई 2 ही दो, बोले 20 का ले लो, बोले अच्छा 3 दे दो, बोले 10 का ले लो, बोले अच्छा 4 दे दो, ये क्या है, एक्सपेंशन है, क्या है ये। तो जब डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से, डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से, इट इज नोन एज एक्सपेंशन, जब प्राइस की वजह से डिमांड घट रही, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। बोले ठीक है, बोलते कर्व करके देखते हैं, प्राइस 10 रुपये था, 20, 30, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 10 रुपये का था, कितना मांगे थे, 20 का हो गया कितना ले लिया, 30 का हो गया कितना ले लोगे, यस
इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन. बोले अच्छा जी, ये डीडी कर्व है. कौन सी कर्व है? कॉन्ट्रैक्शन है. कैसे पहचानोगे? प्राइस क्या था? 10 से क्या हो गया? 20. तो डिमांड भी 2 से क्या, 4 से क्या हो गई? तो ये इधर की ओर है. यस, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन है, ये समझ आ रहा है. तो ये ऊपर की ओर कर्व जाएगा कि नीचे? के 10 था ना, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ. तो ये ऊपर करें या नीचे करें? ऊपर की नीचे कैसे? लिखा हुआ है. किसने, कौन पढ़ा था मेरे साथ? तुम पढ़ी थी, तुम पढ़ी थी. हम 10 से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे तो आ नहीं रहे हैं. एक है अपवर्ड मूवमेंट, एक है डाउनवर्ड मूवमेंट. अभी बताती हूँ करके. निखिल ये तुम बताना जरा, नहीं श्वेता का कल एग्जाम है, श्वेता बताएगी. 30, 20 and 10. श्वेता इधर. ₹30 का कितनी डिमांड करके बैठी हो? ट्वेंटी का है तो 30 दे देगा पहचानने के लिए. कहेगा वो है मूवमेंट है या शिफ्ट है. तो क्या बोलोगे, मूवमेंट है कि शिफ्ट है? कौन सा मूवमेंट? आंदोलन वाला मूवमेंट. कोई आंदोलन नहीं चल रहा है यहाँ पे. तो ये एक छोटा सा रिविजन और फिर ये वापस से क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गेस करो प्लीज. पेंशन. अच्छा हाँ, सॉरी डी. बड़े आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, हड़बड़ाइए मत प्लीज. केबीसी की तरह नहीं काम हो रहा है यहाँ. टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करके बताइए क्या है. सॉरी डी. अब मैं पढ़ूं एक बार, देखो. इंक्रीज इन प्राइस, इतना ही पढ़ा है आपने, ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स. आप ये पेन खरीदने गए थे, ये 70 की बिक्री थी, तो आपने ये पेन ले ली क्योंकि ये 50 की थी. प्राइस इसका बढ़ा, डिमांड इसकी क्या होगी? अदर देन प्राइस और नॉट? बस इतना पहले आइडेंटिफिकेशन करना सीखो. ये जो हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस हो रहा है या ड्यू टू अदर देन प्राइस हो रहा है, पहले ये आइडेंटिफाई करना सीखो. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स ओन नहीं है,
ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड, किसी और के चक्कर में इसकी डिमांड बढ़ गई। टी एन कॉफी, चाय पीने गई थी पलक जी 10 रुपए लेकर के, ठीक है। वो कह रहे भैया 10 रुपए की चाय नहीं है, 15 की चाय हो गई। बोली कॉफी दे दो भैया, कॉफी 10 की और टी भी 10 की है, कीमत किसकी बढ़ी है, टी की। कीमत किसकी बढ़ी है, टी की। उसने टी खरीदी नहीं, उसने क्या पी ली, कॉफी। डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की। किसी और की कीमत बढ़ने से किसी और की क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। एक छोटा सा बच्चा था, 100 रुपए लेकर गया था रोटी खाने। बोले भाई रोटी दे दो, कह रहे रोटी नहीं है 100 रुपए में, वो 120 में है। बोले भाई राइस ही दे दो। तो रोटी की कीमत बढ़ी लेकिन डिमांड क्वांटिटी किसकी बढ़ गई, डिमांड। इज दिस ओके और नॉट, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज तो हुआ है लेकिन किसका हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। आइडेंटिफाई करो, हड़बड़ाओ मत। कभी कभी लगता पढ़ा तो है सब कुछ सही तो कर, तुक्का बस बड़ा बड़ा लगाते गए, फिर बोले मैडम पागल है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट आया, तो अब पहले तो समझ जाओ अदर देन की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, अदर देन की। अदर देन में क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को तो भगा दो, ऑड वन आउट का गेम करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्शन हटाओ, एक्सपेंशन ये तो हो ही नहीं सकता। या तो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। जब किसी गुड सब्स्टिट्यूट की इंक्रीज हो गए प्राइस, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, डिमांड। बात समझ आई कि नहीं आई। पहले तो ये जो इतना फिर से सिर खपाई कि क्लास में पढ़ा भी दिया ये वाला टॉपिक लेकिन फिर से पढ़ाया, एप्लीकेशन में भी पढ़ा दिया लेकिन फिर से पढ़ाया, YouTube में भी लाइव आके लेकिन फिर से पढ़ाया। रीजन ये है क्योंकि एक्चुअली एक बिट ऑफ, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 11th क्लास के सोचे तो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो बिट कंफ्यूजिंग के चक्कर में ये सिर्फ एक रिविजन कर लो, देख लो कि भाई किसी और रीजन की वजह से जब डिमांड में चेंज आया, आलू खरीदने गए 100 ही रुपये का बिक रहा है लेकिन लग रहा है कल बढ़ जाएगा दाम तो अभी ले लो, ज्यादा लोग आए हैं तो ज्यादा ले लो, जब रीजन प्राइस नहीं बना कोई और फैक्टर बना, और जब रीजन सिर्फ प्राइस बना। बात क्लियर हुई, ये बात समझ आई। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो दूसरे चीज की डिमांड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो गायब हो गए, क्यों, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रहे थे, प्राइस की वजह से, अपने खुद के प्राइस, सब्स्टिट्यूट के प्राइस की वजह से अदर देन प्राइस था। तो या तो इंक्रीज होना था या फिर डिक्रीज होना था। बात क्लियर हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि हम 5 से ज्यादा क्वेश्चन, अगर इस तरह से आप लोग कर रहे हो 5 से ज्यादा करने चाहिए। पहले इतना और एक और समझते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, इस मैं बच्चों की नहीं बात, मैं कटारियाओं की बात कर रही हूँ। कटारियाँ ना पहले देखते कितने मिनट का ये वीडियो है, अगर 20 मिनट का तो वो ऑन करेगा, 20 से जरा सा भी 1 मिनट ऊपर। मैडम इतनी लंबी वीडियो थी यार, तो भाई तुम रहने दो, मेरी हिम्मत खत्म, मैंने ये नहीं बनानी। मुझे ए बी सी आर थ्री कमोडिटीज, कितनी कमोडिटीज है, थ्री, वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे के, ए खाओगे तो बी भी खाना है, तो ए और बी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। वेयर एज ए एंड बी आर, ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट, ए और सी, कोई तीन गुड्स की बात कर रहा है, ए बी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए खा लो या फिर सी खा लो, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट। या तो ये खाओ या तो ये खाओ, दोनों में से कोई एक, जो बोल रहा है वही समझा रही हो। ए बी सी आर द थ्री कॉमोडिटीज, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक खाओगे दूसरा खाना जरूरी है। अगर ये कार है तो ये पेट्रोल है, एक दूसरे के बिना यूजलेस। बोला ना कार डब्बा है सिर्फ पेट्रोल के बिना, और पेट्रोल सिर्फ आग लगाने के लिए यूज होगा, कोई यूज उसका नहीं है। और ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट, या तो वाले हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक इसकी कीमत बढ़ गई, एक ही कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक ही कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया ए का, तो डिमांड किसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, बी की। आंसर में नहीं चल रहे, ऑटोमेटिक डिमांड किसकी कम हो जाएगी, बी की। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं
कार नहीं यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या रहा है, किसकी कीमत बढ़ी है, ए की, तो डिमांड तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी किसकी, बी की, क्योंकि बोथ हैविंग द पॉजिटिव रिलेशन टू ईच अदर। लेकिन ए की डिमांड के बढ़ने से डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी एंड कॉफी, पीने गई थी वो 10 रुपए की टी और 10 ही रुपए की कॉफी भी थी, लेकिन टी की कीमत कितनी हो गई, 15 बढ़ गई ना, बोल तो रहा ए की कीमत बढ़ गई, तो डिमांड किसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, सी की। अग्री कर रहे हो, वही चीज हमें करना है। कह रहे डिमांड ऑफ ऑल कॉमोडिटीज विल फॉल, बताओ क्या सबकी फॉल हो रही है, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी ए एंड बी विल फॉल इंक्रीज, डिमांड ऑफ द सी विल राइज, है ना। ये थोड़ा सही बोला तो इसको अभी ना पूरा सही नहीं बोलेंगे, इसको रोक देते हैं। डिमांड ऑफ कॉमोडिटी ए एंड सी विल फॉल, नो नॉट एट ऑल, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी बी एंड सी फॉल, तो कौन सही है, डिमांड ऑफ ए एंड बी विल फॉल, क्योंकि भैया रेट बढ़ गया है और सी का कीमत इसकी बढ़ी है तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। यही तो सारे लोग स्ट्रेटेजी लगाते हैं ना, बगल वाला 100 रुपये में पढ़ा रहा है, लाओ 50 में ही पढ़ा दे भाई, तुम आ जाओ हमारे पास, मैं कहूँगी मैं 500 में पढ़ाऊंगी, पढ़ना है पढ़ निकल साइड से। इज दिस फोर्थ नंबर क्लियर है कि नहीं है, पांच क्वेश्चन मात्र करेंगे अभी, क्योंकि पांच से ज़्यादा हम जान रहे हैं, आप लोगों की बहुत है लेकिन हमारे घटालियाओं की बिल्कुल भी नहीं है। आई नो देम वेरी क्लियरली, जब क्लास में वो 40 मिनट में मैम बस करिए, फिर अभी तो वीडियो है तो फिर बस ही करिए, उनके पास हक बनता है बंद करने का। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, कितने लोग के दिमाग में जॉइंट आ रहा है, इतने लोग के दिमाग में ऑल्टरनेटिव आ रहा है। दो कट्ठे चाहिए ना, ठीक, एक और कर दें प्लीज, एक और लास्ट, पक्का लास्ट वाला एटीट्यूड, एक लास्ट। देयर विल बी डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ कार विथ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्यों, पहले ये है क्या, ये बताओ मुझे, कार और पेट्रोल दोनों साथ ही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कैसे गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी कीमत बढ़ेगी इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसकी कीमत बढ़ेगी इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो पहले तो ये बता दो, ये इंक्रीज है, एक्सपेंशन है, क्या है, मुझे तो नहीं लगता इंक्रीज है कि एक्सपेंशन है। आप दोनों बताइए, वो लोग बता दिए और तुम सही बताया, रीजन भी बताना पड़ता है क्यों, अपना नहीं दाम घटा बढ़ा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री का घटा बढ़ा, अदर देन ओन प्राइस, एब्सोल्यूटली राइट। तो पहले ये बताओ शिफ्ट और मूवमेंट आपने पहचान लिया, शिफ्ट में या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, ये अदर देन ओन प्राइस है, ये भी बात सही है, तो मूवमेंट तो है नहीं, इसका बोला एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो है नहीं, ना ये डाउनवर्ड है और ना ये अपवर्ड है, या तो राइट वर्ड है या फिर लेफ्ट वर्ड है। अब ये अब राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है ये डिसाइड कर लो, क्यों, क्योंकि दूसरे की वजह से डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या है ये, समझ आया, रीजन क्लियर हुआ, एक और करें लास्ट, रहने देते हैं पता चले, अभी बहुत सारे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद की नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। नहीं, हिम्मत मेरी और हमारे स्टूडेंट्स की नहीं है ना, नेक्स्ट लेक्चर में।